नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल सच। मैं मंजू सिंह, रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने 100 से अधिक आवाजें कैद की। जी हां, आपको बता दें, नासा ने बुधवार को मंगल ग्रह पर अपने इनसाइड लैंडर से रिकॉर्ड की गई अजीबोगरीब आवाजों को जारी किया है, जिन्हें अब सुना जा सकता है। वही नेक्स्ट अपडेट, ग्रे लाइन मेट्रो शुरू होने के साथ द्वारका से जुड़ गया नजफगढ़, लोगों की मुश्किलें होंगी आसान। जी हां, आपको बता दें, नजफगढ़ से द्वारका का सफर करने में कई बार जाम लगने की वजह से समय बढ़कर 40 से 50 मिनट तक हो जाता था, अब वो घटकर केवल 6 मिनट रह गया है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, रेलवे यूनियनों ने IRCTC की तेजस एक्सप्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें, रेलवे यूनियनों ने देश की पहली निजी ट्रेन IRCTC की तेजस एक्सप्रेस के खिलाफ शुक्रवार को प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से इस ट्रेन को रवाना किया। अखिल भारतीय रेलकर्मी संघ AIRF ने कहा कि वह पहली निजी ट्रेन तेजस तथा 150 और ट्रेनों को उपभोक्ताओं को देने के खिलाफ विरोध दिवस मना रहे हैं। वहीं नेक्स्ट अपडेट, तेजस एक्सप्रेस को CM योगी ने दिखाई हरी झंडी। हफ्ते में 6 दिन लखनऊ से दिल्ली के बीच दौड़ेगी ट्रेन। जी हां, आपको बता दें, देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को आज लखनऊ से CM योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। तेजस हफ्ते में 6 दिन लखनऊ से दिल्ली के बीच दौड़ेगी और सिर्फ 6 घंटे 10 मिनट में सफर करेगी। इसका टिकट ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध रहेगा। बता दें कि इस ट्रेन में आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको प्लेन में मिलती हैं। यात्रियों की सेहत का ख्याल भी रखते हुए मेन्यू बनाया गया है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, LG ने पेश किया कमाल का ईयरबड्स, गंदा होने पर अपने आप हो जाएगा साफ। जी हां, आपको बता दें, यदि आप भी अपने हेडफोन की सफाई को लेकर परेशान हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी LG ने इसकी समस्या को दूर कर दिया है। LG ने आप जैसे ग्राहकों को जरूरत को ध्यान में रख के एक ऐसा वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन ईयरबड्स पेश किया है जो गंदा होने पर अपने आप साफ हो जाएगा। वही नेक्स्ट अपडेट, ई कॉमर्स कंपनियों ने 3 दिन में बेच डाला 12.7 हजार करोड़ का सामान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, देश में जारी सुस्ती के बीच ई कॉमर्स कंपनियों को त्योहारी सीजन का भरपूर फायदा मिल रहा है। ई कॉमर्स कंपनियां 6 दिवसीय त्योहारी सीजन के सेल के अंत तक कुल $3.7 अरब की बिक्री का आंकड़ा छू सकती हैं। रेड सीर कंसल्टिंग की रिपोर्ट के अनुसार, त्योहारी सीजन के सेल के शुरुआती 3 दिन में ई कॉमर्स कंपनियों का बिक्री का आंकड़ा $1.8 अरब के स्तर पर पहुंच गया है। वही नेक्स्ट अपडेट, BSNL ने 455 दिन बढ़ाई इस पुराने प्रीपेड प्लान की वैधता, आपके होंगे ये फायदे। जी हां, आपको बता दें, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने अपने ग्राहकों को फेस्टिवल का तोहफा देते हुए नया ऑफर पेश किया है। BSNL का ये ऑफर मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए है। BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए अपने एक प्लान की वैधता 455 दिन तक बढ़ा दी है। BSNL के इस प्लान की कीमत ₹1,699 है। वही नेक्स्ट अपडेट, हज 2020 के लिए 10 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू। जी हां, आपको बता दें, हज 2020 के लिए 10 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज 2020 की तैयारियों की शुरुआत करते हुए कहा कि इस बार सभी आवेदन ऑनलाइन होंगे। हज के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर तक जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार हज 2020 पूरी तरह डिजिटल बनाने की कोशिश करेगी। वही नेक्स्ट अपडेट, भारत सरकार दे रही स्कॉलरशिप, परीक्षा पास करने पर मिलेंगे 90,000 से ज्यादा। जी हां, आपको बता दें, भारत सरकार की ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट यानी AICDSD एक छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। आपको बता दें कि पास करने वाले को स्कॉलरशिप के रूप में ₹96,000 मिलेंगे। इससे अलग उम्मीदवारों को अनेक सुविधाएं भी मिलेंगी। वही नेक्स्ट अपडेट, सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए करें ऑनलाइन आवेदन, यह प्रमाण पत्र है जरूरी। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं पास इकलौती कन्या संतान को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की एक हार्ड कॉपी CBSE को भी भेजनी होगी। वही नेक्स्ट अपडेट, खुशखबर, केंद्र ने सरकारी कर्मियों को घर बनाने के लिए कर्ज पर ब्याज दर घटाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने घर बनाने के लिए कर्ज लेने वाले सरकारी कर्मियों को राहत देते हुए उनकी ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 7.9% कर दिया है। केंद्रीय सरकार आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी बयान में बताया गया कि नई ब्याज दर 1 अक्टूबर से लागू हो गई। वही नेक्स्ट अपडेट, ऑटो कंपनियों ने किया कर्मचारियों को VRS देने का ऐलान, मंदी से जूझ रहे सेक्टर को नहीं मिल रही राहत। जी हां, आपको बता दें, बीता सितंबर महीना भी ऑटो सेक्टर के लिए राहत भरा नहीं रहा। अभी वह टोयोटा के किर्लोस्कर मोटर ने अपनी स्थायी कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने के लिए बोल दिया है। इससे पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि त्योहारी सीजन में ऑटो सेक्टर में गाड़ियों की बिक्री में उछाल आएगा, लेकिन प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। वही नेक्स्ट अपडेट, रिलीज हुआ फिल्म मर्जावा का गाना तुम ही आना, लोगों ने कहा बेस्ट सॉन्ग। जी हां, आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया की मोस्ट एवेटेड फिल्म मर्जावा का गाना तुम ही आना रिलीज कर दिया गया है। यह एक लव सॉन्ग है। टी सीरीज द्वारा रिलीज किए गए इस गाने को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं।
यही नहीं, इस गाने को 2019 बेस्ट सॉन्ग भी बता रहे हैं। गाने के कंपोजर पायल देव का कहना है कि एक दूसरे गाने पर काम करने के दौरान इस गाने की धुन उनके दिमाग में आई। जुबिन नौटियाल ने इस गाने को गाया है और कुणाल वर्मा ने इसे लिखा है, आदित्य देव ने इसे प्रोड्यूस किया है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन भी कायम रहा वॉर का दबदबा, बटोर लिए इतने करोड़। जी हां, आपको बता दें बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की मोस्ट एवरेटेड एक्शन थ्रिलर वॉर बुधवार 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। अपने ओपनिंग डे पर ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने वाली फिल्म वॉर के दूसरे दिन भी कमाई का आंकड़ा अब सामने आ चुका है। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 53.35 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। ऐसे में फिल्म में काम करने वाले ये दो सितारे काफी खुश हैं और इस शानदार ओपनिंग के लिए दोनों ने अपने प्रशंसकों का शुक्रिया भी अदा किया है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, विराट कोहली से भी आगे निकली हरमनप्रीत कौर, बनाया T20 इंटरनेशनल का बड़ा रिकॉर्ड। जी हां, आपको बता दें महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर 100 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई। हरमनप्रीत कौर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छठे और अंतिम T20 अंतरराष्ट्रीय मैच पर यह उपलब्धि हासिल की। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।